पहले आप सब लोग अपना डायरी पेन शो करेंगे तभी मैं सर को कॉल करूं। तैयार हैं सब लोग? जस्ट शो योर डायरी एंड पेन, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तो आपके माइंड के अंदर सेट नहीं होगा, लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी वीडियो पे नहीं है, उनकी डायरी पेन में नहीं देख पा रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो ऑन करें। बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो साथियों स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको पता है आज हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमारे स्पेशल ट्रेनर हैं, जिनका नाम है मिस्टर सत्यम सर। तो मैं सर को कॉल करूंगा, आप सब लोग डायरी पेन साइड में रख के हाथ ऊपर करके एक दमदार और जबरदस्त वाली क्लैपिंग से वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द जूम मिस्टर सत्यम सर, एक जोरदार तालियां। वेलकम सत्यम सर आपका। वेरी गुड इवनिंग देवेंद्र सर एंड वेरी गुड इवनिंग फाइटर, आप सभी लोगों को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे, सुरक्षित भी होंगे और मस्त भी होंगे फाइटर। सो इट्स बीन अ वेरी ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों की टीम से मिलने का, और इसके लिए मैं अपनी मैनेजमेंट और हमारी हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने ये चांस मुझे दिया फाइटर्स ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए, आप सभी के वेरी ग्रेट रॉयल डायमंड मिस्टर विकास सर और हमारे डायमंड हैं मिस्टर देवेंद्र सर, जिनकी लगातार प्रयास होती है कि उनकी टीम के सभी लोगों को एक एजुकेशन मिलती रहे। क्योंकि फाइटर हम सभी को पता है कि हमारा बिजनेस, अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अगर हम बात करें तो हमारा जो एक मॉडल है, जो बिजनेस है, ये बड़ा अलग सा है, और यहाँ पे विदाउट नॉलेज तो हम कुछ कर नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है हमारा ट्रेनिंग का जो सेशन होता है लगातार चलता रहता है। इसके पहले मैडम आपको सिखाती थी और इस बार मौका मुझे मिला हुआ है, तो हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे फाइटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज स्लीपियस वेलनेस जो भी कुछ कर पा रहा है वो अपने प्रोडक्टों की बदौलत है और हमारे लीडर्स की मेहनत, ऑफकोर्स लीडर्स की मेहनत सबसे ज्यादा होती है और आप लोग की भी मेहनत है, लेकिन ये मेहनत तभी रंग लाती है जब बढ़िया प्रोडक्ट हो, और बढ़िया प्रोडक्ट हमने बना दिए, लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट का काम तभी सफल होगा जब आप उस प्रोडक्टों को समझेंगे, क्योंकि जब जानेंगे ही नहीं तो उसकी फायदे को कैसे प्रमोट करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कहीं भी कुछ भी कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट होता है तो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होता, उसके फायदे प्रमोट होते हैं, और हमारे प्रोडक्टों के जो फायदे हैं उसकी मतलब कोई सीमा नहीं है, लिमिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उसी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे। और आज हमारी संस्था में टोटल 130 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 130 से ज्यादा प्रोडक्ट है। उसकी कुछ कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी आपकी वेलनेस केयर की होती है, वेलनेस केयर हमारा है 45 प्रोडक्ट होते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी फूड केयर की है, उसमें 50 प्लस प्रोडक्ट है। देन आपका ब्यूटी पर्सनल केयर होता है, उसमें आपने ब्यूटी केयर में ऑलमोस्ट 8 प्रोडक्ट है, आपके पर्सनल केयर में 4 हैं, मेकअप मंत्रा में ऑलमोस्ट 11 प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर में हमारे पास 3 हैं, एग्रीकल्चर है, होम केयर है, ये सारे रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो हम अपने ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक एक कैटेगरी के प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि पिछले के ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों ने वेलनेस केयर के प्रोडक्ट जो थे उसके बारे में जानकारी ली थी, तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसे ही चलता रहता है। कुछ कुछ प्रोडक्टों को हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में लेते हैं और धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्टों को कवर कर लेते हैं। तो आज हम फूड केयर वाली कैटेगरी पे बात करेंगे, और मैं ये विश्वास के साथ बोलूंगा कि फाइटर आप बहुत कुछ आज नया यहाँ से सीख के जाएंगे, और आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार आज का समय मेरा थोड़ा सा 1.5 घंटे का जो समय हमने दिया है उसमें बहुत ज्यादा कुछ सीखा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कुछ बताऊं जिसकी नॉलेज उतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है फाइटर, हमारा जो एक टीम होता है, हमारे टीम में जो लोग होते हैं, इसमें हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने जिनके बड़े हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हाँ वही है कि नॉलेज थोड़ी नहीं है। तो हम लोग सपोर्ट करके उनकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पे आपके संस्था के 95% प्रोडक्ट शरीर से जुड़े हुए हैं, आपके हेल्थ से जुड़े हुए हैं, और आपको अपने शरीर के बारे में अगर पता ही नहीं है तो हम किस बात का बिजनेस करेंगे, हम किस बात का प्रोडक्ट उनको बता पाएंगे। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी, खास करके मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको प्रोडक्टों के साथ जो प्रोडक्ट आपके बॉडी के जिस हिस्से पे काम करें उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिलती रहे, ताकि आप लोगों के सामने आराम से अपने बातों को रख पाए। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जैसा कि मैंने बताया हम फूड केयर के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए फाइटर, शरीर में कोई भी समस्या अचानक से नहीं आती,
अब अगर किसी की आंखों की रोशनी कम हो रही है या उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, उनकी आईसाइट कमजोर हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कमियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमारे शरीर में विटामिन्स की कमियां बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कमी हो रही है तो समस्या बॉडी में होगी। आंखों की रोशनी कम होने का सबसे बड़ा कारण विटामिन ए, जो कि आज हमारे बॉडी में कम है। लोग चिल्लाते रहते हैं कि जी मेरा बाल झड़ रहा है, मेरा स्किन खराब हो रहा है। भाई क्यों खराब हो रहा है? क्यों आपके बाल टूट रहे हैं? कॉपर की कमी है, बीटा कैरोटीन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो बाल तो टूटेंगे। आपका स्किन क्यों खराब हो रहा है? विटामिन सी की कम हो गई है, विटामिन ए कम हो गया है, तो भाई स्किन तो डैमेज होगा। शरीर में कमजोरी रहता है, ब्लड ठीक से नहीं बन पाता। क्यों नहीं होता भाई? ज्यादातर कारण होता है कि B12 आपका गायब है, या आयरन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रहा है। तो ये सब जो है कमियां, और यही कमियां जब आप नजरअंदाज कर देते हो तो फिर क्या होता है कि आप देखिए बड़ी समस्या, किसी को एनीमिया हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। आज महिलाओं का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारी महिलाएं जो है उनको पता ही नहीं चलता कब थायराइड हो जाता है। और थायराइड होने के कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम और आयरन की कमी हो रही है, बैलेंस नहीं है। आज हमारी गठिया की समस्या, गठिया होने के कई कारण है, उसमें से एक कारण कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी है। आज अगर आप भारत सरकार की रिपोर्ट उठाइए, NHFS 5, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट नंबर 5, अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, आप उस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो आज जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कितनी सारी कमियां, बच्चे हैं उनके बॉडी में कम है। हम लोगों के शरीर में, हम जैसे देखने में स्वस्थ जरूर दिखते हैं, लेकिन बॉडी में B12, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर सारे तो कम है। अब ये जब कम रहेंगे तो किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें? नहीं रख सकते। तो हमें अपने भोजन के अलावा कुछ सप्लीमेंट की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं फूड केयर, और इसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो एक एक चीजों को समझेंगे, बड़े विस्तार से समझेंगे, उन प्रोडक्टों को अपने वेलनेस केयर वाले प्रोडक्ट यानी समस्याओं वाले प्रोडक्टों के साथ किस प्रकार से ऐड करके कॉम्बिनेशन में देंगे, ये भी बातें आज आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये सारी चर्चा होगी। तो चलिए आपके बीच में मैं एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, उसको आप देखिए और वहां से फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा फाइटर, और उसको नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। ओके, सो फाइटर, आप सभी के स्क्रीन पे जो स्लाइड है बेरी डॉग जूस की आ चुकी होगी। अगर जिनके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप 10 सेकेंड वेट कर लीजिए। स्लाइड बड़ी होती हैवी होती है, थोड़ा आने में समय लग जाता है। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें इन फलों की क्यों जरूरत है? आप लोग ने फाइबर का नाम सुना होगा। फाइबर वो कपड़े वाला फाइबर नहीं, फाइबर जो शरीर में चाहिए होता है। वो क्या होता है भाई? जितना भी फल है, जितना भी जूस है, ये होता है फाइबर। सब्जी, ये सब फाइबर होता है। और जिस इंसान के बॉडी में फाइबर ज्यादा होता है, समझिए कि उसको कभी पेट का रोग तो नहीं होगा। लेकिन फाइबर हम खाते कितना है? सब्जी कितना खाते हैं? एक कटोरा। और एक कटोरा कितना हो गया भाई? मुझे तो नहीं लगता 50 ग्राम से ज्यादा होता है, लेकिन चाहिए कितना होता है? उससे कई गुना ज्यादा चाहिए होता है, और हम उतना नहीं लेते। तो हमारे शरीर में एक तो फाइबर का नंबर 1, दूसरी चीज होती है कि आपके बॉडी में जितनी भी समस्याएं बढ़ रही हैं, ये समस्याओं के बढ़ने का क्या कारण होता है? कारण एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर आपको आज मैं बताऊं तो वो होता है फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कहां से आ जाते हैं? हम यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि शरीर में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो ये कैसे हो गया भाई? तो आपका जो भोजन है, उस भोजन को पचाने के लिए शरीर में क्रियाएं चलती हैं, और इन क्रियाओं में ऑक्सीजन यूज होता है, और यही ऑक्सीजन जब सही से यूज नहीं होता तो रेडिकल्स बन जाते हैं, और ये रेडिकल बने तो इनको फ्री रेडिकल बोला जाता है। और ये क्या करेंगे? आपके शरीर को बिगाड़ेंगे, खराब करेंगे, कैंसर को बढ़ाएंगे, हार्ट को बीमार करेंगे, आपके स्किन को खराब करेंगे, बॉडी को खराब करेंगे, यही तो काम है इनका। तो बेरी डॉग जूस क्या है, इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा, माफ कीजिएगा, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो, और जितने भी फल होते हैं सब में ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो बेरी डॉग जूस में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, फ्री रेडिकल आपके डाउन रखेगा। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है,
B6 होता है, B12 होता है, ये विटामिन भी इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है फाइबर के बारे में मैंने बता ही दिया। तो हमारा ये बेरी डॉग जूस यूज कहाँ पे होता है? देखिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताओ फाइटर, कि आपके जो बेरीज होते हैं ना भारत में नहीं होते, इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। एंड इसका जनरली अगर आपसे ये कोई पूछे कि भाई आपके लिए हार्ट के लिए सबसे अच्छा जूस फल कौन सा होता है, तो बेरीज ही होता है। बहुत ही बढ़िया फल है ये बेरीज। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, किन किन जगहों पे करेंगे? देखिए जब भी किसी को किसी भी तरीके की कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की और ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो आपको कार्डियो डॉक रस वाला प्रोडक्ट देना चाहिए। कार्डियो डॉक रस 20 ml दे दिया, ठीक बात है। उसके साथ अगर उस व्यक्ति या महिला को शुगर की समस्या नहीं है, तो बेरी डॉग जूस जरूर दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट 20 ml 2 बार इसको दे दीजिए, पहला यूज। दूसरा यूज क्या करेंगे, जहां भी किसी को आई ड्रॉप आप देते हैं, आई ड्रॉप अगर आप किसी को दीजिए, तो देखिए अगर उनकी आई साइट वीक रहती है, आंखों का पावर कमजोर रहता है, तो भाई विटामिन ए के बिना कैसे काम हो जाएगा? और विटामिन ए बेरी डॉग जूस से ज्यादा कहीं मिलेगा नहीं। तो आप आराम से ये प्रोडक्ट दे दीजिए। बच्चों को देना पड़े तो 10 ml, बड़ों को देना पड़े तो 20 ml दे दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरा इसका यूज कहाँ करेंगे, तीसरा यूज अगर हम करें तो जिनको भी अपनी त्वचा बड़ी अच्छी रखनी है, स्किन बड़ा अच्छा रखना है, क्या करना है भाई, Short 30 ले लीजिए। अगर आप Short 30 नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, एलोवेरा सिरप के साथ बेरी डॉग जूस भी चल जाएगा। तो इससे आपके स्किन का जो रिंकल्स होता है, जो स्किन की थोड़ी इश्यूज हैं, छाइयां पड़ जाती हैं, वो कंट्रोल रहेगी। तो ये हमारा बेरी डॉग जूस का इंपॉर्टेंट यूज है, और इसको कहाँ कहाँ पे देना है वो मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। आपके स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फाइटर बेरी डॉग कैप्सूल। बेरी डॉग जूस और बेरी डॉग कैप्सूल, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो आप बेरी डॉग जूस या कैप्सूल, दोनों में से कोई ले लीजिए। बस शुगर के लोगों को बेरी डॉग जूस वगैरह नहीं दीजिए। मिठाई थोड़ा मीठा ज्यादा होता है तो शुगर बढ़ जाता है, इसलिए बस उनको मत दीजिए। बाकी तो भाई इससे बढ़िया जूस तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा बेरी डॉग कैप्सूल जूस कंपनी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है कर्की डॉग ड्रॉप, कर्क्यूमिन। देखिए कर्क्यूमिन को लोग बहुत मजाक में ले लेते हैं। लोगों को लगता है भाई हल्दी तो घर में खाना खा लेते हैं, अब ये हल्दी वाला प्रोडक्ट हम क्यों पिए, हल्दी का रस ही तो बना के दिया है। तो भाई जो घर में हल्दी हम कितना खा लेते हैं आप बताइए, दाल में 1 चम्मच, सब्जी में 1 चम्मच, पूरे दिन में मिला के 2-3, वो भी बहुत कम, उतनी तो शरीर के साथ वो बाहर ही हो जाता है। हल्दी का एक सबसे बड़ा डिमेरिट पता है क्या होता है, आप जितना लेते हैं उससे कई गुना तो बाहर होता रहता है, तो शरीर में क्या ही मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और हम शुद्ध हल्दी ले कहां से रहे। कर्क्यूमिन जो होता है ये हल्दी के अंदर का तत्व होता है, और इसके गुणों की अगर चर्चा की जाए तो फाइटर अल्टीमेट, हमारे बॉडी में जितने भी सूजन दर्द वगैरह रहते हैं वहां मदद करना। उसके बाद अभी मैंने आपको समझाया कि फ्री रेडिकल्स नहीं होने चाहिए आपके शरीर, तो कर्की डॉग ड्रॉप जो है उधर भी काम करेगा। और सबसे जरूरी फाइटर हल्दी का काम, हमारे देखिए ब्रेन की समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। मतलब ये है कि आपके ब्रेन के जो सेल होते हैं वो मरते चले जाते हैं, और ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। आप जो ब्रेन के साथ जो शरीर का तालमेल होता है वो टूट जाता है, और उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो आप कर पाते हो ठीक से हो ही नहीं पाता। और आजकल जो हमारी ब्रेन की बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, डेमेंसिया, तो क्या किया जाए इन समस्या, अगर किसी को ये सारी समस्या रहे, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, डेमेंशिया है, तो क्या किया जाए, कौन सा प्रोडक्ट ले? भाई थंडर ग्लास है, ब्रेन डॉग है, उसके साथ कर्की डॉग ड्रॉप या शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ले लीजिए, अल्जाइमर अपना कंट्रोल रहेगा। तो ये हमारा पहला यूज उसका हो गया। दूसरा यूज क्या करें भाई, दूसरा यूज अगर आपको करना है तो एक समस्या हमारी होती है रिमेटाइड अर्थराइटिस, गठिया, गठिया में जो गांठे बनने की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उन लोगों को सूजन दर्द पेन ज्यादा रहता है, तो क्या किया जाए भाई? तो आपका जो प्रोडक्ट आता है ऑर्थोडॉक 20 ml 2 बार, उसको तो ले ही लीजिए। उसके साथ अगर ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल है तो थंडर ब्लास्ट ठीक रहेगा, नहीं तो नोनी 20 ml 2 बार ले लीजिए, और एक आप विटामिन का कैप्सूल लीजिए, तुलसी चलेगा।
और यही प्रोडक्ट करकी डॉग ड्रॉप भी साथ में दिन में दो तीन बार दीजिए, कि जरूरी होता है। तो ये हमारा करकी डॉग ड्रॉप। और इसका तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज हम लोग कैंसर की समस्या में कर लेंगे, आगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका करकी डॉग ड्रॉप प्रोडक्ट है। और फाइटर, जब भी कोई आपका ये बोले, हम लोग के पास जब नॉलेज नहीं होता तो हम लोगों के सामने हाथ जोड़ के सुन के उनकी बातें चले जाते, और इसीलिए क्योंकि उनको लगता है वही सही बोल, कि हमें पता नहीं। अब लोग बोलते हैं भाई नहीं, ये करकी डॉग ड्रॉप हमें नहीं चाहिए, हम तो हल्दी घर में खाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, एक बार फिर रिपीट कर, भाई जितना आप खाते हैं उतना तो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, वो शरीर में जल्दी जल्दी एब्सॉर्ब नहीं होता, इसलिए इसका डोज आपको बढ़ा के लेना पड़ता है। इसीलिए तो ये जूस बना है, क्या मजाक में तो नहीं बनाया हमने। तो इसका कैप्सूल भी है और जूस भी है। तो जो लोग ड्रॉप लेना चाहें उन्होंने पानी में 1 ml ले लीजिए, जो लोग अपना दूध में लेना चाहें दूध में ले लीजिए। तो ये आपका करकी ड्रॉप कंप्लीट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। सीबक डॉग जूस प्रोडक्ट है, ये क्या चीज है और क्या काम करता है? दोस्तों देखिए, एक चीज आप समझिए, हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं शरीर के पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए। अब मान लीजिए कि आज आप डिनर में चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, ये सब क्या है? प्रोटीन। और ये जब खाना आप खाएंगे, मेहनत करेगा शरीर, जब खाना पचेगा, ये प्रोटीन पचेगा, तो आपका एमिनो एसिड बनाता है जिससे आपके शरीर का विकास होता है। शरीर के लिए बड़ा जरूरी होता है एमिनो एसिड। और हमने बोला कि भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, सीबक डॉग जूस ले लीजिए, जो अमीनो एसिड आप इतना मेहनत करके ले रहे थे ये खुद ही आपको दे देगा, और इससे आपके शरीर का विकास हो जाएगा। एक सिंपल सा सिस्टम है। और दूसरा इसका फायदा क्या? दो बेनिफिट। अब ये तो एक तो प्रोटीन का पार्ट हो ही गया, आपके शरीर के विकास में तो मदद करेगा ही करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ब्लड के थिकनेस को कम करेगा, क्लॉटिंग बनने नहीं देगा, और क्लॉटिंग जब नहीं बनेगा तो हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे हार्ट भी हमारा अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा आंवले से ज्यादा विटामिन सी इसमें अवेलेबल होता है, जो इसीलिए हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, शुगर के प्रोडक्ट जो भी होते हैं, जिनको भी आप डाइबोडॉक रस देते हैं शुगर के लिए, उनको सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉक में से एक दे दीजिए। तो सीबक डॉग जूस का यूज कहाँ कहाँ पे है? दोस्तों जितने भी लोगों को लगे कि उनके डाइट में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो प्रोटीन का उद्देश्य क्या होता है? शरीर का विकास करना। सीबक डॉग जूस ले लीजिए चुपचाप से, कोई इशू नहीं है। दूसरा यूज कहाँ करेंगे? तो मसल डॉक में बताऊंगा। तीसरा यूज कहाँ करेंगे? तो स्किन के लिए भी कर लीजिए, और शुगर के साथ देने के लिए मैंने बताया ही है। तो जहां जहां पे इम्यूनो डॉक रस आपका यूज नहीं हो सकता, आराम से आप सीबक डॉग जूस यूज कर लीजिए। तो ये हमारा जूस, एक तरह का फल सीबक थॉर्न से ये आपका बनता है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है फाइटर, इसका नाम है आपका स्लिम डॉग पाउडर। देखिए फाइटर, मोटापा की अगर मैं बात करूं, मोटापा क्या है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से होता है, हमें क्या लेना है? तो देखिए, हमारा एक प्रोडक्ट आता है नेचर फिट किट, अभी आया हुआ है, नया प्रोडक्ट है। तो आई थिंक आपके पिछले के सेशन में डिस्कस हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है तो मैं खुद ही डिस्कस अगले सेशन में करूंगा। अभी के लिए शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। जब भी कोई व्यक्ति आपको बहुत विशाल काय मिल जाए, बहुत ज्यादा मोटापा हो, तो आप का जो प्रोडक्ट आता है ये नेचर फिट किट, यही दीजिएगा। और अगर किसी को पूरे शरीर में मतलब 5-10 किलो वजन अपना कम करना है, तो ये नेचर फिट किट से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। नेचर फिट किट को कैसे लेना है, उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, जब आप किट को खरीदेंगे, खोलेंगे, तो उसमें 4 पेज की एक बुकलेट पतली सी मिलेगी, उसमें लिखा हुआ है कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या लेना है, ये सारी बातें। तो हम नेचर फिट किट को मैं ज्यादातर आपको अगली ट्रेनिंग में, क्योंकि उस प्रोडक्ट सबसे आखिरी में है, तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई मोटा व्यक्ति मिल गया, नेचर फिट किट लेना चाहता, बिल्कुल दीजिए, वही दे दीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई नेचर फिट किट नहीं ले रहा है, जानी मान लीजिए मेरे जैसा कोई है, बोले कि यार थोड़ा डाइटिंग कर ही लेता हूं, और वैसे भी अभी गर्म खून है, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ, ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी बात क्या है, कर लीजिए।
लेकिन जब लोग डाइटिंग करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि क्या खाना कम करना है और कितना कम करना है। जनरली शुगर, अनाज और चर्बी, फैट, ये सब नहीं खाना होता है। तो इससे बंद करने से थोड़ा नुकसान ही हो जाता है कि बॉडी में बहुत सारा तरह की कमियां पूरी हो जाती है, और इन कमियों की वजह से शरीर तो कम हो रहा है लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि फाइटर कमजोर हो जाता है। तो स्लिम डॉग पाउडर क्या है? स्लिम डॉग पाउडर उन सभी का प्रोडक्ट होता है जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, उनको अगर अपने प्रोडक्ट देना है तो स्लिम डॉग दे दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। स्लिम डॉग क्या करता है कि उनकी डाइटिंग के होने के वजह से जो कमियां बॉडी में हो रही थी, विटामिन्स की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, वो सारी कमियां जो है आपका ये स्लिम डॉग पाउडर पूरा कर देता है। और इवन पूरा करने 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 के साथ जो शुगर की मात्रा होती है उसको भी बैलेंस रखता है और धीरे धीरे वेट को मैनेज करता है। तो देखिए कैसे लें और डाइटिंग में क्या नहीं लेना। देखिए जो लोग डाइटिंग करेंगे उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक तो फैट वाला आइटम नहीं खाना है, क्रीम है, बटर है, घी है, मक्खन है, नॉन वेज है, शुगर वाला आइटम नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मीठा, व्हाइट शुगर नहीं खाना, कार्ब्स नहीं खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस, रोटी, इसको हटाना पड़ेगा। सुबह सुबह नाश्ते में थोड़ा प्रोटीन ले लीजिए, स्प्राउट वगैरह खा लीजिए, स्लिम डॉग पाउडर को फल में मिक्स करके खा लीजिए या तो गुनगुने पानी मिक्स करके पी लीजिए, सुबह का नाश्ता कंप्लीट। दोपहर आता है लंच, लंच से पहले आपको एक प्लेट सैलेड खा लेना चाहिए और उसके बाद जो है जितना भी दाल सब्जी है भरपूर खाइए। अंडे वगैरह खाने हैं तो अंडे का येलो वाला पार्ट थोड़ा अवॉइड करिए, एंड ये आपका लंच हो गया। लंच के बाद आता है इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे आप स्नैक्स खा लीजिए एंड देन आपका डिनर। तो डिनर में अपना जैसा लंच है वैसा डिनर करिए, स्लिम डॉग पाउडर लीजिए। तो ये स्लिम डॉग पाउडर तो लिया, इसके साथ जो है कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एक तो लीवो डॉग लेना पड़ेगा 20 ml दिन में 2 बार, साथ में फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ पूरे दिन में 3 बार ले लीजिए, और एक अपना ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह और शाम ये ले लीजिए। ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। तो जिनको भी फाइटर डाइटिंग करनी है, अपना मोटापा है, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। समझ आ गया भाई किस तरीके से प्रोडक्ट देना है। अब दूसरी बात ये है पानी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए पानी अगर शरीर में कम हो गया तो भाई आधा कहानी तो यही गड़बड़ हो जाती है। तो कितना पानी पिए, पानी पीने का फॉर्मूला अपने वजन को 20 से डिवाइड किया जाए। अगर मेरा वेट 20 है 20 से डिवाइड कर देता हूं, माफ कीजिएगा, मेरा वेट अगर 60 है, 80 है, 100 है, तो मैं इसको 20 से डिवाइड कर देता हूं, देख लेता हूं कितनी मात्रा बने। तो अगर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लीटर पानी, 80 है तो 4 लीटर, 100 है तो 5 लीटर। इस तरीके से पानी को दे दीजिए और जिस तरीके से डाइट आपको सजेस्ट किया गया है वो फॉलो कर दीजिए। दोस्तों यही है जीवन, वेट भी मेंटेन हो जाएगा, आप भी फिट रहोगे। सो दिस इज स्लिम डॉग। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखिए फाइटर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी को भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको चाय से बड़ा मजा आता है, चाय के बिना जिंदगी उसकी नहीं कट सकती, होता है बहुत सारे लोग, तो अब उस केस में क्या करें। अब शुगर बंदे को हो गया, मोटापा है, अब उसको हम बोल देंगे कि भाई तुम चाय मत पियो, वो तो हमारे सर पे ही पकड़ लेगा सर, बोलेगा क्या बकवास है भाई, हमसे नहीं होगा, चाय तो मैं पीऊंगा। ठीक है भाई तुम चाय पियो, तुमको चीनी नहीं खाना है ना, स्टीविया ले लो। स्टीविया जो होता है ये क्या करता है कि आप जब इससे कुछ बनाएंगे मीठा चीज तो आप खाएंगे तो मीठा जरूर लगेगा, लेकिन इसका नुकसान जो हमें चीनी से होता है कि शुगर बढ़ जाता है ब्लड में, वो नहीं होता है, और स्टीविया इसीलिए बेस्ट माना जाता है। तो भाई जिनको भी शुगर है, मोटापा है, उनको अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो खाएं, स्टीविया के साथ खाइए, वैसे मत खाइए। तो ये आपका स्टीविया ड्रॉप है, बहुत ही मीठा होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ओमेगा डॉग कैप्सूल क्या है? ओमेगा डॉग जनरली लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये जो ओमेगा डॉग कैप्सूल इन्होंने बनाया है बहुत ही बेवकूफी हमें बना रहे हैं। ऐसा गलत अगर कोई सोच रहा तो आप उनको सुधार दीजिए, क्योंकि लोगों को और खास करके जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको ऐसा उम्मीद होता है कि यार मेरे तो नॉन वेज में ओमेगा मिल जाता है, मैं तो पूरा भरपूर खा के मस्त हूँ। भाई साहब वो लोग गलत सोच रहे हैं।
ओमेगा के कई टाइप्स होते हैं, और जो वो नॉन वेज फिश और इन सब चीजों से ओमेगा खाते हैं वो ओमेगा सिक्स होता है, और ओमेगा सिक्स की शरीर में रिक्वायरमेंट ही कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, और चाहिए क्या होता है ओमेगा थ्री, और वो कहां से मिलता है, वॉलनट से, ऑलमंड से, फ्लैक्सीड ऑयल से, और फ्लैक्सीड कोई भी नहीं खाता, तो हमें क्या है ओमेगा थ्री तो हमारे बॉडी से गायब है। अगर आपके शरीर में ओमेगा थ्री ज्यादा रहता तो भाई आपको हार्ट की बीमारी क्यों होती, आपके ब्रेन डिस्टर्ब क्यों होते, हो रहे हैं आज, तो क्या किया जाए भाई। तो आपका जो ये ओमेगा डॉग कैप्सूल है ये एक तो वेजिटेरियन ओमेगा थ्री है ये, और आपके शरीर में ओमेगा थ्री की ही रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी चाहिए। अगर रेशियो की बात किया जाए कितनी मात्रा में कौन सा होना चाहिए, तो 3:1 होना चाहिए, ओमेगा थ्री का 3 यूनिट, ओमेगा सिक्स का 1 यूनिट, तब ये कॉम्बिनेशन सही बना, और हम लोग बस थोड़ा सा ज्ञान लेके उड़े रहते हैं। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल का यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों, एक दो यूज हो तो बताया जाए, सारे यूज है। आंखों के प्रोडक्ट के साथ बच्चों को छोड़ के सबको दे दीजिए एक कैप्सूल, उसके बाद ब्रेन की समस्याओं में हम कर सकते हैं। तीसरा, मानिए अगर आपका कोई कार्डियो डॉक रस नहीं ले रहा है, कार्डियो डॉक रस जो प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, मान लीजिए कोई नहीं खरीद पा रहा है, तो क्या किया जाए भाई, तो उसके लिए जो है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे दीजिए, ओमेगा डॉक कैप्सूल दे दीजिए, नोनी दे दीजिए, तो भी बात बन जाती है। तो ये ओमेगा डॉग कैप्सूल का तीसरा यूज हम करेंगे त्वचा रोग में, स्किन एलर्जी की कंडीशन में करेंगे, और इसका जो हम एक यूज करेंगे गठिया, अभी मैंने आपको एक गठिया का प्रोडक्ट बताया था कि पेन वगैरह ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें आपको कर्की डॉग ड्रॉप या ओमेगा डॉग कैप्सूल दोनों में से एक आप ले लेंगे, तो ये आपका ओमेगा डॉग कैप्सूल है फाइटर, मजाक नहीं है, ये फ्लैक्सीड ऑयल से बना हुआ, और हम सभी लोग अलसी का बीज नहीं खा सकते इसीलिए तो कैप्सूल बनाया है, क्या किया जाए। तो ये आपका ओमेगा डॉग कैप्सूल, एक कैप्सूल पर डे इज मोर देन एनफ। जी कॉफी डॉग पाउडर, इसको भी लोग समझते नहीं है, उनको लगता है बस ऐसे ही भाई, क्या है जी कॉफी डॉग, गैनोडर्मा ल्यूसीरिया, एक तरह का मशरूम, क्यों जरूरी है, खाने के बाद आप देखिए ज्यादातर लोगों को आलस लगता है, क्यों आलस लगता है, आलस क्यों लगता है, क्योंकि आपके भोजन जो आपने भोजन खाया वो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, बननी चाहिए, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपका ऊर्जा नहीं बन रहा है तो आलस लगना तो स्वाभाविक है, और जी कॉफी डॉग क्या करता है, अगर आपने खाने के बाद इसको लिया गुनगुने पानी में, आपका मेटाबॉलिज्म तेज कर देता है, इससे क्या होता है आलस गायब, लिवर एक्टिव रहेगा, और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम होता है भाई रिलैक्स मोड में रखना, आपके नसों को बड़ा शांत रखता है, और नसें जब शांत रहेंगी तो आपको ना तो हार्ट की समस्या ना ब्रेन की समस्या कुछ भी नहीं होगा भाई, स्ट्रेस बिल्कुल दूर रहेगा। सो जी कॉफी डॉग पाउडर इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट, हर्बल टी या जी कॉफी डॉग दोनों में से एक ही लीजिएगा, जब भी किसी को स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सब की समस्या अगर किसी को रहती है फाइटर, ट्रस्ट भी आप या तो हर्बल टी या जी कॉफी डॉग दोनों में से एक प्रोडक्ट आप जरूर दीजिएगा, एंड फाइटर इसको कितनी मात्रा में देना है दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 ग्राम गुनगुना पानी या मिल्क। लेकिन शुगर के लोगों को, हार्ट की समस्याओं को, मोटापा में लोगों को गुनगुने पानी के साथ देना अच्छा रहेगा, नहीं तो दूध तो ऑप्शन में है ही है। हमारा जी कॉफी डॉग पाउडर, एंड आई थिंक आप सभी को ये बातें समझ आ रही हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ, स्टॉक पाउडर, वजन बढ़ाना, कैसे बढ़ाएं वजन। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे लोग पूछ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे आप बोलोगे कि भाई मेरे पास एक मास स्टॉक पाउडर है, आप इसको खा के अपना वजन बढ़ा लीजिए, तो लोग आपको बोलेंगे नहीं भाई मैं तो नहीं लूंगी लूंगा, इसमें आपका होता है स्टेरॉइड्स। देखिए हमारे प्रोडक्टों में कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, स्टेरॉइड्स का हम कोई यूज नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज है, वजन बढ़ाने के लिए चाहिए क्या भाई, वजन बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, थोड़ा विटामिन चाहिए, थोड़ा मिनरल्स चाहिए। अब एक्चुअली होता क्या है कि आप मे भी ज्यादा ज्यादा भोजन खा रहे हो लेकिन शरीर वो भोजन को यूज नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई आपके शरीर का जो हॉर्मोनल इश्यूज है ये भी हो सकता है। तो मास स्टॉक पाउडर जो होता है इसमें सभी कुछ पड़ा हुआ है जो
आपके बॉडी के सिस्टम को सुधारता भी है और वेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो मास टॉक पाउडर को हम कितना लेंगे, 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम। सुबह कब ले लें, किसके साथ ले लें, दूध के साथ ले लीजिए, फल के साथ ले लीजिए, रात को किसके साथ, दूध के साथ ले लीजिए। और यदि किसी का वजन बहुत कम है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए जो है अपना प्रोडक्ट आता है, माफ कीजिएगा, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा कम है तो मास टॉक को दिन में 2 से 3 बार लेना है। और मास टॉक महिलाओं को बिना गायनेडॉक रस के मत दिया कीजिए फाइटर, क्योंकि महिलाओं में जनरली ऐसा होता है हार्मोनल इश्यूज नहीं रहते, थोड़ा बैलेंस नहीं रहता है, डाइट भी ऐसी गड़बड़ ही रहता है। तो डाइट के लिए प्रोडक्ट तो आपने दिया, गायनेडॉक के साथ दीजिए। पुरुषों को क्या करें, पुरुषों को देखिए मास टॉक दोनों में से एक दीजिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का लिवर कमजोर है, आप इतना सारा अगर चीजें आप उसको देंगे पचा नहीं पाएगा, वो 10 लग जाएंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मास टॉक पाउडर है, कंप्लीट होता है, किस प्रकार से लेना है। फाइटर किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है फेनल डॉक ड्रॉप। देखिए फेनल जो होता है इसको हम बोलते हैं सौंफ, और सौंफ क्या होता है, सौंफ जनरली एक्चुअली काम क्या करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे आप जो भोजन खा रहे हो, इस भोजन को खाने के बाद हमारे जो पाचन अंग होते हैं, आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, स्टमक, बड़ी आंत, ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और जब ये काम में अगर गड़बड़ी आ जाए तो पाचन क्रिया में दिक्कत आ जाती है, फिर किसी को गैस बनने की दिक्कत आ जाती है, किसी का एसिड बढ़ जाता है, किसी की आंतों में सूजन आ जाता है, किसी के आंतों में मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, सारी दिक्कत। तो अगर किसी को पेट में सूजन, पेट में दर्द रहता हो, गैस बार बार बनता रहता हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि अगर उनको आंतों में मूवमेंट हो रहा है, आंतें थोड़ी सी सूजन आ गई है, आंतों में ड्राइनेस बढ़ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है, तो आपको त्रिफला दिन में 2 बार 20-20 ml ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए खाली पेट 2 बार, फेनल डॉक ड्रॉप ले लीजिए 1 ड्रॉप गुनगुने पानी के साथ खाने के साथ। इससे आपकी जो ये एक्सेसिव गैस बनने की समस्या है, सूजन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कम हो जाएगा। अगर किसी का गैस वगैरह खूब ज्यादा बन रहा है तो क्या करना है, आपका एक प्रोडक्ट आता है एसीफिज पाउडर। एसीफिज पाउडर जो होता है उसे आप क्या करना है फाइटर, अपना कह लीजिए कि गुनगुने पानी के साथ 3 ग्राम, छोटा छोटा पाउच 3 से 4 ग्राम का आता है, उसको ले लीजिए, और लेने के बाद जो है उसको गुनगुने पानी में डाल के अपना पी लीजिए, तो जो एसिडिटी वगैरह होती है पूरी तरह से चली जाती है। तो ये आपका फेनल डॉक ड्रॉप है, इसको किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो आपको बता दिया है। कि आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है डिजी डॉग पाउडर। डिजी डॉग पाउडर जो होता है ये आपका डाइजेशन के लिए होता है, पाचन क्रिया के लिए होता है। देखिए डाइजेशन जो होता है पाचन क्रिया, मतलब ये है कि आपको अगर समय से भूख नहीं लगता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे रात में खाने की इच्छा नहीं होती, अब घर वाले तो भाई पीछे ही पड़ जाते हैं, खाई लो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं था, आपको भूख नहीं लगा उस दिन तो नहीं खा रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन रोज ही भूख नहीं लग रहा तब तो दिक्कत की बात है, शरीर का सिस्टम तो ऐसा है नहीं, आपको भूख लगना चाहिए। अगर भूख नहीं लगता, खाना खाया तो पच भी नहीं रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो क्या किया जाए, तो करना क्या है, त्रिफला है और अपना जो एलोवेरा है ये तो चलना ही है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एलोवेरा खाली पेट त्रिफला 2 बार इसको लीजिए, साथ में जो है आपको डिजी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ अपना ले ही लीजिए। एंड अगर उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, गैस बन जाए, एसिडिटी हो जाए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो इंस्टेंट रिलीफ कैसे करवाए, उसके लिए जो है आपको अपना जो प्रोडक्ट आता है एसी फिच पाउडर, डब्बे में 3 ग्राम का छोटा छोटा पाउच, उसमें 30 होता है,
तो एक दिन में 3 से ज्यादा लेना नहीं है, 50 ml पानी में डाल के उसको पी लीजिए, गैस वगैरह गायब हो गया और बाकी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो धीरे धीरे पूरी पाचन क्रिया आपकी सुधर जाती है। सो ये आपका डिजी डॉग पाउडर है, किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, कर्की डॉग कैप्सूल। फाइटर, कर्की डॉग कैप्सूल जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, कर्की डॉग ड्रॉप जो बताया था सेम कर्की डॉग कैप्सूल। जहां जहां पे ड्रॉप का यूज वहां पे कैप्सूल का भी यूज होता है, तो दोनों में से एक लेना होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मसल डॉग पाउडर। देखिए, शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनको बनाने के लिए आपको चाहिए होता है प्रोटीन, और जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है उस पर प्रेशर पड़ जाता है और वो डैमेज भी होता है। लेकिन हम करते क्या है कि जैसे एक्सरसाइज करने के बाद जिम से आते हैं तुरंत प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेते हैं तो फिर उसका रिकवर हो जाता है, और जो ये नहीं करता उसके लिए दिक्कत की बात। तो एक्चुअली क्या है कि आपका जो मसल डॉग पाउडर है इसमें स्टेरॉइड्स भी नहीं है और ये नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट है, दूध छाछ कैसीन सोया को ड्राई करके बना हुआ। तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है, और खाली प्रोटीन ही नहीं पावर पैक विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, वो भी इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है। सुक्रोलोज होता है, ज्यादा ऊर्जा देता है उनको एक्सरसाइज करने का। इसमें आपका यूज किया गया है विटामिन B6, विटामिन E, सब कुछ यूज किया गया। तो मसल डॉग पाउडर तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना लेना है 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम। 30 ग्राम सुबह अगर आप लेते हैं फाइटर तो फलों के साथ दूध के साथ ले लीजिए, रात में लेते हैं तो दूध के साथ ले लीजिए, आपको मसल डॉग पाउडर ये लेना है। अब देखिए इससे अकेले काम नहीं हो पाएगा, ये तो आपके पोषक तत्वों को पूरा कर दिया जिससे शरीर का निर्माण हो रहा है और थोड़ा बहुत आपका बॉडी बन जाएगा, लेकिन शरीर में स्टेमिना चाहिए। बॉडी बन गया तो ताकत भी होनी पड़ेगी, और वो कैसे होगा तो पुरुषों की अगर बात की जाए तो पुरुषों के बॉडी का टेस्टोस्टेरोन हाई होना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, आपका प्रोडक्ट है थंडर ग्लास रस, मैक्सिमम 20 ml दिन में 2 बार, या टेस्टोफास्ट कैप्सूल मैक्सिमम अपना 1 कैप्सूल दिन में ले लीजिए या रात में दूध के साथ, और थंडर ब्लास्ट मैक्सिमम 2 बार 15 से 20 ml दूध के साथ। इससे क्या होगा, मसल डॉग से मांसपेशियों का विकास हो गया और बाकी प्रोडक्ट से हार्मोन का विकास होगा तो स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब रही बात ये कि जरूर तो है बॉडी बिल्डिंग तो कर लिया, बॉडी भी बना लिया, लेकिन हार्ट लिवर ब्लड सब सही होना चाहिए, और उसके लिए क्या करें, सीबक डॉग जूस दे दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे लिवर हार्ट सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये हमारा हो गया मसल डॉग पाउडर, किस प्रकार से इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो सारी बातें आपको बता दी गई। एंड दैट्स नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है स्पिराडॉग कैप्सूल। स्पिराडॉग कैप्सूल क्या है, देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया कि शरीर में खाली चावल रोटी दाल खा के कुछ नहीं होगा, आपके बॉडी को विटामिन चाहिए होता है, और विटामिन क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया। आपका जो स्पिराडॉग कैप्सूल है स्पिरालुना, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा, इसमें आप समझिए कि इसको सुपर फूड से कम नहीं बोल सकते, क्योंकि सुपर फूड का काम क्या होता है बॉडी में, सुपर फूड जो होता है अगर मैं बात करूं फाइटर, तो आपके शरीर में विटामिन ए स्पिरालुना में गाजर से ज्यादा अवेलेबल है। उसके बाद आप बात करिए फाइटर विटामिन अपना जो है मिल्क की कैल्शियम की, तो वो दूध से ज्यादा है, आयरन पालक से ज्यादा, प्रोटीन अंडे से ज्यादा, तो ये सारे ही मिनरल्स और विटामिन्स और पोषक तत्व तो आपको मिल रहे हैं। तो ये जब मिलेंगे बॉडी में तो इससे एसोसिएटेड जो भी चीजें आपके शरीर में हो रही होंगी वो सुधर जाएंगी। तो हम स्पिराडॉग कैप्सूल को एक सुपर फूड के रूप में अगर हमारे डाइट में थोड़ी बहुत कमी है तो इसको यूज कर सकते हैं, बीटा डॉग की जगह पे यूज कर लीजिए। तो एक तरह का कंप्लीट विटामिन का प्रोडक्ट ये आपका स्पिराडॉग कैप्सूल है, और इस प्रोडक्ट में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है जिससे क्या होता है कि फाइटर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट वगैरह एकदम बिल्कुल कम बढ़ा रहता है, शरीर कह लीजिए कि एनर्जेटिक रहता है और आपके बॉडी का विकास भी होता है। तो स्पिराडॉग कैप्सूल को आपको कितना लेना है, 1 कैप्सूल मोर देन एनफ ले लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज
मोरी डॉग टिप्स, क्या होता है ये प्रोडक्ट? दोस्तों देखिए, मोरिंगा हम लोग क्या है कि मोरिंगा का कैप्सूल क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग जो मोरिंगा खाते हैं, सहजन खाते हैं, किस प्रकार से खाते हैं भाई, उसको काटा, सब्जी में डाला, उसका जूस पिया और चूस के उसको फेंक दिया, तो भाई खाया क्या? कुछ नहीं खाया। और यदि कोई इंसान मोरिंगा खाए रेगुलर, भाई उसको शुगर वगैरह नहीं होगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डियां कमजोर होना, ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि मोरिंगा की ब्यूटी ये है कि ये आपके शारीरिक प्रोसेस के साथ बॉडी में जो कमियां हैं, विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन डी की, उनको भी ये पूरा करता है, खास करके कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब इसके अंदर है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब आपका बैलेंस करके रखता है। तो मोरिडॉग कैप्सूल हम जैसे यंग लोगों के लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी शारीरिक क्रियाएं भी थोड़ी ठीक रहे और बॉडी के अंदर जो कमियां हैं विटामिन की, मिनरल्स की, उसको भी हम पूरा करें। मोरिडॉग कैप्सूल को आपको एक से ज्यादा एक कैप्सूल लीजिए, कहाँ कहाँ पे लेना है, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि फाइटर अगर किसी को शुगर है, आप उन्हें डाइवोडॉक रस अगर आप दे रहे हैं, तो आपको मोरिडॉक कैप्सूल या वीटाडॉक कैप्सूल में से कोई एक ले लीजिए, दैट इज डन। तो ये आपका मोरिडॉक कैप्सूल है, और इसको हम जैसे लोग, जैसे कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लें, गिलोय है, वीटग्रास है, क्लोरोडॉक है, इम्यूनोडॉक है, अगर हम लोग लें तो मोरिडॉक कैप्सूल के साथ ले लें, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। काउसीडॉक, दोस्तों देखिए, काऊ कोलेस्ट्रम होता है, गाय अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस है, उस मिल्क के अंदर जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, एमिनो एसिड तो भरपूर ही होता है, तो उसका फायदा क्या होता है हमारे बॉडी में, उसका क्या फायदा? देखिए, हमारे शरीर को निर्माण करने के लिए टिश्यूज बने होते हैं, आपके जो ये मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों में जो मुलायम स्ट्रक्चर है, लचीलापन है, इसको टेंडन्स बोलते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ऐसा ही हमारे जहां जहां ज्वाइंट होते हैं वहां पे एक मुलायम परत होती है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, और उम्र बढ़ने के साथ या डाइट का सही से ध्यान नहीं है, वो टिश्यूज आपके खराब हो जाते हैं, लिगामेंट वीक हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि चलने फिरने, पैरों को मोड़ने में दिक्कत आपको होती रहती है। तो अगर किसी का कार्टिलेज खराब हो जाता है, ज्वाइंट के बीच की नमी डैमेज हो रही है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया का पहला टाइप, और इसमें क्या करना होता है, तो अगर किसी को इस तरह की समस्या हो जाती है कि भाई उनका कार्टिलेज खराब हो रहा है, नमी उनके ज्वाइंट के बीच की कम हो रही है, तो क्या करना है, तो आपको जो प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक 20 ml दिन में 2 बार ले लीजिए, साथ में नोनी या थंडर ब्लास्ट, दोनों में से एक, थंडर ब्लास्ट लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल में, नोनी अपना 20 ml, साथ में जो है अपना एक विटामिन का कैप्सूल, एक वीटाडॉक तुलसी अपना ले लीजिए, एंड एक्स्ट्रा काउसीडॉक कैप्सूल चाहिए होता है, एक कैप्सूल। दूसरी चीज ये होती है, कई सारे लोग जो है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो खेल कूद ज्यादा करते हैं, उनका लिगामेंट अच्छा होना चाहिए, टिश्यूज मजबूत होने चाहिए, काउसीडॉक कैप्सूल यही तो कर रहा है। और वैसे भी कह लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि फाइटर लोग ऐसा बोलते हैं कि चलने फिरने में थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है, उनको कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बट काउसीडॉक कैप्सूल उन्हें चाहिए होता है, एक कैप्सूल पर डे लीजिए, दैट्स मोर देन एनफ। तो ये हमारा काउसीडॉक कैप्सूल है, जो कि किस प्रकार से लेना है ये मैंने आपको बता दिया, और एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, दिस इज वीटाडॉक कैप्सूल। वीटाडॉक कैप्सूल जो होता है विटामिन, कौन से विटामिन भाई, सारे विटामिन ए आंखों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए है इसमें, विटामिन सी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को कम करना, एमिनो एसिड मैंने आपको समझाया कि भाई एमिनो एसिड जो होता है ये आपका बॉडी नहीं बना पाता, इसको आपको बाहर से ही लेना पड़ता है और फूड के थ्रू लेना पड़ता है, जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है, और शरीर जब बनेगा तो सब सही रहेगा। तो वीटाडॉक कैप्सूल इसीलिए दिया जाता है हर जगह पे, या तो आप वीटाडॉक ले लीजिए, या स्पीराडॉक ले लीजिए, या अपना जो है फाइटर डेलिफ्ट, इन तीनों में से एक
विटामिन का कैप्सूल किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप दे सकते हैं. सो दिस इज विटाडॉक कैप्सूल, वन कैप्सूल ईच टाइम. नेक्स्ट, हाइट. हाइट बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, आराम आराम से बढ़ता है. और देखिए, हाइट बढ़ने की कुछ रिक्वायरमेंट होती है. एक बच्चे का जब हाइट बढ़ना शुरू होता है 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, तो क्या होता है, तो 6 साल, 7 साल, 8 साल में हाइट जो होता है वो बढ़ने के दो चीजें होती है भाई, थोड़ा पोषक तत्व तो भी चाहिए और थोड़ा शरीर में हार्मोन का विकास, ये दोनों चीजें चाहिए होती है. और ये दोनों चीजें अगर बॉडी में नहीं हो पा रही तो हाइट बढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा. तो आपका हाइट ड्रॉप पाउडर के अंदर सबसे पहले तो प्रोटीन, पोषक तत्व, मिल्क और सोया प्रोटीन दोनों ही अवेलेबल है. इसके अलावा जो है फाइटर, इसमें सारे विटामिन अवेलेबल करे गए हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ. और इसके अलावा इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं जो शरीर के प्रोसेस को सुधारती हैं. तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि जब बॉडी में ये चीजें जाएंगी तो आपके शरीर का पोषक तत्व तो कंप्लीट होगा और धीरे धीरे हमारे शरीर में टिश्यूज का विकास होगा और धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा. तो हाइट ड्रॉप पाउडर अगर आपको 10 साल से नीचे किसी बच्चे को देना है तो 15 से 20 ग्राम दे दीजिए दूध के साथ सुबह शाम, और किड स्टॉक. और अगर उम्र 10 से ऊपर हो गई है, 18, 19, 20 साल तक, उसके ऊपर तो देना भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, हाइट डॉग पाउडर 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम को दे दीजिए. आपको इस हाइट डॉग के साथ जो है प्रोडॉग जरूर रखना चाहिए. क्यों रखना है भाई प्रोडॉग, क्योंकि प्रोडॉक में है जड़ी बूटियां और वो शरीर के प्रक्रियाओं को तेज करती है जिससे ग्रोथ उनका हो जाता है. और एक जो है फाइटर अपना जो विटामिन का कैप्सूल है उसको भी आपको, माफ कीजिएगा फाइटर विटामिन नहीं, जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो लीवोडॉक ले लीजिए या इम्यूनोडॉक, ये चाहिए होगा. अगर किसी की उम्र 11 से लेकर 20 साल की उम्र तक है तो इम्यूनोडॉक 10 ml लीजिए, नहीं तो लीवोडॉक, क्योंकि इतना जो पावर पैक पोषक तत्व तो है अगर बॉडी में यूज नहीं होगा तो फिर हाइट कैसे बढ़ेगा. और देखिए, हाइट बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, बड़े आराम आराम से हाइट बढ़ता है. ऐसा नहीं कि फादर की हाइट 5.5 है, मदर की 5.5 है, बच्चे का 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए और धीरे धीरे हाइट में वृद्धि मिलेगी. तो हाइट टॉक पाउडर है, किसी का 3 महीने, किसी का 6 महीने समय लग जाता है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है फिट डॉग पाउडर. फिट डॉग पाउडर जो आपका प्रोडक्ट होता है फाइटर, इसका काम क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करना. देखिए, फिट डॉग पाउडर जो आपका प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली में हम लोग स्लिम डॉग पाउडर और ओबियो डॉग रस के साथ देते. क्यों देते हैं फिट डॉग, क्योंकि जिनको भी मोटापा वगैरह कंट्रोल करना होता है उनका सबसे जरूरी ये चीज होता है कि भाई शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होना चाहिए, उसके बाद जो है उनका भूख थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, अतिरिक्त जो चर्बी है वो कम होनी चाहिए और बॉडी में शुगर और ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए. तो फिट डॉग पाउडर यही काम तो कर रहा है, वो हमारे वेट लॉस में मदद करता है और बाकी की चीज शुगर, अपना ग्लूकोज, ये सब बैलेंस करता है. तो फिट डॉग पाउडर को हमें कैसे लेना पड़ेगा, आपको मैंने स्लिम डॉग के साथ बताया था कि फिट डॉग पाउडर लीजिए 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ. फिट डॉग पाउडर आप इसको ले लीजिए एंड दिन में 2-3 बार. अब रही बात ये कि मानिए किसी का वजन बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, 2-3-4 किलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है और वो इतना हैवी हैवी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए उनको, नहीं छोड़ना, क्या दे फिर. फिट डॉग पाउडर तो 3 बार दे ही दीजिए, साथ में ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, दोनों में से एक दे दीजिए. मान लीजिए किसी को मोटापा है, किसी को शुगर है, किसी को गठिया, किसी को थायराइड, इसमें भी वेट बढ़ा हुआ है, वैसे तो ये चीजें जब नॉर्मल होगी तो वेट कम हो सकता है, लेकिन उनको वेट कम करना है तो क्या किया जाए, पहले तो उनको शुगर, मोटापा और गठिया को ही कम करना है. लेकिन अगर उसके साथ कुछ वेट कम करने का प्रोडक्ट देना भी पड़ जाए तो आपको फिट डॉग पाउडर के साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ले लीजिए. कैप्सूल जो है एक सुबह एक शाम, और फिट डॉग को पूरे दिन 3 बार इस तरह से यूज कर लीजिए.
तो ये हमारा फिट डॉग पाउडर है, किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, ये सारी बातें आपकी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगली बोर्ड। ये जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है फाइटर, इट्स अ वेरी स्मॉल इम्यूनिटी ड्रॉप। इम्यूनिटी ड्रॉप जो आपका प्रोडक्ट होता है ये किस काम आता है? देखिए, छोटा सा जो इम्यूनिटी ड्रॉप प्रोडक्ट है फाइटर, ये एक्चुअली में हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता कई बार। अब जैसे अभी तो सब सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा मौसम बदला तो सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो इम्यूनिटी थोड़ी आपकी कमजोर हो गई है। तो अगर कोई वायरल डॉग ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है, वही दे दीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं लेता कुछ भी, तो एटलीस्ट इम्यूनिटी ड्रॉप तो छोटा दे ही दीजिए। इससे क्या होता है कि भाई, दो स्मॉल ड्रॉप 100 से 150 ml गर्म पानी में अगर लें, तो उससे क्या होता है कि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा बैलेंस हो जाता है, और उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है उसको कम करने में मदद मिल जाती है। तो ये हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप प्रोडक्ट है इन्फेक्शन को दूर करने। गिलोय, देखिए गिलोय का कैप्सूल और गिलोय का जूस दोनों अपने पास अवेलेबल, तो ये दोनों काम कहाँ करते हैं? काम कहाँ करते हैं? देखिए, गिलोय जो है ना, कभी भी आपको बीमार होने नहीं देगा, और यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। क्योंकि इसका काम ऐसा ही कुछ होता है, हमारे शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम मेंटेन रखना, पाचन क्रिया सुधारना, और पाचन क्रिया सुधरी तो मतलब 60-70% बीमारी से तो वैसे ही बच गए, शुगर आपका बैलेंस रखना। उसके बाद जो है आपका जो है फाइटर, अगर पाचन क्रिया सही है तो अर्थराइटिस होने के चांसेस उतने रहेंगे नहीं, लंग्स को मजबूत करना तो अस्थमा होने के चांसेस नहीं रहेंगे, आपके लिए अच्छा। और जी, तो गिलोय जो होता है, ओवरऑल हम जैसे लोगों का ये प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आप अगर रेगुलर ले रहे हो 3 महीना 6 महीना, आपको खुद ही अपने शरीर में चेंज दिख जाएंगे, और इससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी होता है फाइटर पूरी तरह से संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, और दिक्कत होने के चांसेस ही नहीं है। तो गिलोय को कभी भी किसी को शुगर हो गया उसके लिए दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। गिलोय अगर कभी देना पड़े शुगर में तो डाइबोडॉक के साथ दीजिए, अस्थमा में देना पड़े तो इम्यूनोडॉक कफ डॉक के साथ दीजिए, किसी को अर्थराइटिस में तो ऑर्थोडॉक के साथ। वैसे जो प्रोडक्ट आपको बताए गए उन समस्याओं में सफिशियंट होते हैं। ये गिलोय तो ऐसा प्रोडक्ट है कि हमें बचा के रखे, हम लोगों को अर्थराइटिस, गठिया, स्ट्रेस, ये सब कम हो। तो गिलोय का कैप्सूल और जूस दोनों ही अपने पास अवेलेबल, दोनों में से जिसको जो ठीक लगे ले सकता है, या तो कैप्सूल या तो जूस। जूस लें तो खाली पेट ले लीजिए, कैप्सूल खाने के बाद ले लीजिए। तो ये हमारा गिलोय जूस एंड कैप्सूल। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज नोनी डॉग जूस। नोनी दोस्तों, नोनी एक फल है। कौन सा फल है भाई नोनी? नोनी जो फल होता है ये आपके शरीर में क्या करे, नोनी फल जो होता है इसके अंदर आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बढ़ता है उसको कम करने की पावर नोनी में बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये वन ऑफ द ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। और आपको मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये सारा समझाया। अब नोनी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, नोनी का आपको ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया कि अर्जुन एक्स्ट्रैक्ट कैप्सूल ले लीजिए, नोनी ले लीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अगर कोई कार्डियोडॉक नहीं लेता तो यही दे दीजिए। दूसरी चीज है, आपको मैंने बताया था कि फाइटर ज्वाइंट पेन, गठिया, ऑर्थोडॉक के साथ नोनी या थंडर ग्लास बताया, बालों की शॉर्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो आपकी दिक्कत होती नहीं है ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के साथ वो चल जाता है, और किसी भी को पिंपल वगैरह ज्यादा रहे महिलाओं वगैरह को तो कहने दो। अगर कोई आपका शॉर्ट 30 स्किन के लिए नहीं लेता है कोई बात नहीं, एलोवेरा सिरप खाली पेट 2 बार ले लिए, और एलोवेरा के साथ या तो बेरी डॉग जूस या नोनी डॉग जूस, दोनों में से एक हिस्से में ले लीजिए, तो ये स्किन पे भी काम करेगा। कैंसर की जो समस्या होती है उसमें भी नोनी यूज होता है, क्योंकि
कैंसर एक तरह का क्या है कि खराब सेल आपके बॉडी में बने हैं, वो कैसे बने हैं, फ्री रेडिकल की वजह से ज्यादा बन जाते हैं, तो उस चीज को कम करना है। और कम कैसे होगा, जब एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, किसी भी तरह के कैंसर वगैरह की समस्या में हम लोग क्लोरोडॉक्वाही को 20 ml दिन में 2 बार क्लोरोडॉक ले सकते हैं, एंड उसके साथ अगर शुगर नहीं है तो अपना शॉट 30 ले लीजिए, एक शॉट सुबह सुबह खाली पेट। अगर शुगर है तो नोनी डॉग जूस अपना आराम से यूज कर सकते हैं, तो वहां भी यूज हो जाएगा। तो ये हमारा नोनी का बेनिफिट, नोनी कहाँ कहाँ पे यूज होगा मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते, 15 से 20 ml लेना होता है खाने के 1 घंटे बाद। अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा क्या होता है, देखिए अश्वगंधा एक तरह का जड़ी बूटी है, एंड अश्वगंधा जो होता है ये स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि तनाव अगर आपको रहेगा फाइटर को नींद तो आनी नहीं है, वैसे स्ट्रेस बना रहेगा। और दूसरी चीज है कि शरीर भी आपका पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, तो हमारे पास अगर कोई कंप्लेन करे कि शरीर में ताकत ही नहीं है, थकान लगी रहती, कमजोरी लगी रहती, तो करना क्या है, तो करना क्या है, सबसे पहला थंडर ब्लास्ट का ऑप्शन है। अगर कोई पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, थंडर ब्लास्ट दीजिए। अगर वो थंडर ब्लास्ट नहीं ले तो टेस्टोफास कैप्सूल, वो भी नहीं ले तो शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, वो भी नहीं लेता तो अश्वगंधा पे आ जाइए। महिलाओं का क्या करें, तो महिलाओं को आप थंडर ब्लास्ट दे ही सकते हैं, नहीं गायडॉग भी नहीं ले तो अपना जो है अश्वगंधा कैप्सूल वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास चीजें सेट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हो तो लोग आपसे फिर वही है ना कि बोलते हैं नहीं जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करने के लिए दीजिए। तो मैंने आपको सारे ही ऑप्शन बता दिए, तो आप अश्वगंधा इमली के प्रोडक्ट के साथ, गिलोय के साथ, क्लोरोडॉक के साथ, सीबक डॉक जूस के साथ ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट के साथ अगर नहीं लेते तो काम चल जाता है, थंडर ब्लास्ट में ऑलरेडी अश्वगंधा है, तो एक कैप्सूल आपको लेना चाहिए, रात में मिल के साथ ले लीजिए या नॉर्मल ऐसे। तो ये हमारा अश्वगंधा कैप्सूल। दूसरा जो होता है फाइटर आपका जिनसेंग कैप्सूल। देखिए जिनसेंग जो कैप्सूल होता है ये क्या है, जिनसेंग जो होता है ये आपके नर्वस सिस्टम पे काम होता है। हमारा जब नर्वस सिस्टम अच्छा होगा तो फंक्शन अच्छा हो जाएगा, और जिनसेंग ज्यादातर चाइनीज लोग अपनी दवाइयों में यूज करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरा काम ये भी करता है जिनसेंग कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है फाइटर, उसको ये बढ़ाता है और उससे शरीर की स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो जिनसेंग का यूज कहाँ पे करेंगे, जिनको भी किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या है, आपने थंडर ब्लास्ट दिया, ब्रेन डॉग दिया, तो साथ में जिनसेंग या शिलाजीत या कर्की डॉक्टर, इन तीनों में से एक तो आपको रखना ही चाहिए, जिससे उनका नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा मजबूत रहता है। तो ये हमारा जिनसेंग कैप्सूल है, किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट। अगला जो प्रोडक्ट है फाइटर, ये आपका गोल्डन मिल्क पाउडर। देखिए जब मिल्क पाउडर की बात आती है तो लोगों के दिमाग में चल सकता है कि जो मार्केट में मिल्क पाउडर है व्हाइट वही है, देखिए ये जो मिल्क पाउडर है वो तो ये है, क्योंकि इसमें स्किम्ड मिल्क जो कि आज हम लोग मिल्क पीते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो हार्ट की समस्या बढ़ रही है। मिल्क में जो पोषक तत्व तो चाहिए वही आपको ज्यादा चाहिए, तो गोल्डन मिल्क में हमने स्किम्ड मिल्क डाल दिया, प्रोटीन है, बाकी कैल्शियम सब कुछ मिल गया, इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोटीन, वही प्रोटीन सोया प्रोटीन को ऐड करके भी डाला। तो एक इंसान की जो पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो इस प्रोडक्ट से पूरी हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि खाली ये न्यूट्रिशन का नहीं है, इसके अलावा हमारी शारीरिक क्रियाएं जो आजकल की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, किसी को ब्रेन, किसी को हार्ट, किसी के बॉडी में पेन दर्द ये रहना, तो ये नहीं होने देना। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए जो है इसमें आपका यूज किया गया है सफेद मूसली, पुरुषों के हॉर्मोन्स के लिए, शतावरी महिलाओं के हॉर्मोन्स के लिए, इसमें आपका यूज किया गया दालचीनी, हार्ट को बिगड़ने नहीं देगा, प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल डाउन, और अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए, सौंठ, जायफल, ये जो है सिस्टम पे काम करेगा। सो गोल्डन मिल्क पाउडर ये कोई नॉर्मल सा मिल्क पाउडर नहीं है कि बस पी लिया टेस्ट किया, दोस्तों इट्स मोर देन दैट,
इसको पी के आप एटलीस्ट ब्रेन, हार्ट और बॉडी को तो हेल्दी रख ही लेंगे, पोषक तत्व दे ही रहा है, प्रोटीन दे ही रहा है, तो और क्या चाहिए। तो गोल्डन मिल्क पाउडर जो है आप शुगर, मोटापा, हार्ट की समस्या में दे दीजिए, गुनगुने पानी के साथ लेते रहे। शुगर वाले को पी के थोड़ा मीठा लगेगा, तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या दे दिया, ये थोड़ा मीठा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। इसमें स्टीविया का यूज होता है जो कि शुगर को मेंटेन करता है। और साथ में जो है फाइटर, अगर मैं बात करूं तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम इसको खुद ही हैंडल कर लेता है। तो ये हमारा गोल्डन मिल्क पाउडर है फाइटर। इस तरीके से अगर आप समझे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली जनरली हम लोग बोल देते हैं कि मिल्क पाउडर, तो लोगों को लगता है वही नॉर्मल सा, अभी नॉर्मल सा है नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स अ इको आरोग्यम टी। क्या है ये? चाय। अब चाय हमारे भारत में ही कल्चर क्यों? देखिए चाय शुरू से जब पिया जा रहा है, चाय मतलब हम लोग के दादाजी के जमाने से चाय क्यों पिया जाता है। सुबह सुबह शाम में चाय पीने का मतलब ये होता है कि चाय आपके कफ को बढ़ने नहीं देता, और उससे क्या होता है कि भाई चाय जब कफ आपका बैलेंस होगा तो सर्दी जुकाम होगा नहीं। और सुबह सुबह कफ थोड़ा सा बड़ा होता है, वेदर थोड़ा हल्का सा कूल रहता है, तो आपको गर्म चीज लेने से वो बैलेंस रहता है। और हम ये कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, और आजकल चाय का मतलब ऐसा हालत कर दिया है कि उसमें कलर डाल दिया, टेस्ट डाल दिया, फ्लेवर डाल दिया। और आज चाय मोटे दूध में, भाई साहब चाय पी रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मोटे दूध में पी के क्या होगा भाई? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपके बॉडी का। तो लोग जो बोलते हैं ना चाय पीने से बीमारी हो रही है, यही कारण है। इतना जब कोलेस्ट्रॉल आप क्रीम में रखोगे चाय को, लोगे तो यही होगा ना। और दूसरी चीज क्या, व्हाइट शुगर, तो समस्या तो होगी होगी। और चाय का एक टाइम है, और चाय बनाने के लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब हम लोग की इको आरोग्य में जो चाय की पत्ती है, फाइटर भारत की सबसे अच्छी चाय की बगान अभी भी ओरिजिनल ट्रेडिशन से वहां पत्तों को निकाला जाता है, और उसी पत्तों को यूज किया गया इसमें। इसके अलावा आपके कफ को बैलेंस करने के लिए तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, ये सारी चीजें चाहिए, तो ले लीजिए। इसको भी हमने बैलेंस कर दिया। तो ये आपका इको आरोग्यम टी है, नॉर्मल चाय है। इसमें किसी भी तरह का कलर, फ्लेवर, ये सब चीजें हमने डाला ही नहीं है। ये सब चीजें इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसका जो लोग बोलते हैं कि कलर नहीं आता, भाई कहाँ से आए, हमने तो इसमें कोई कलर डाला ही नहीं है। और जब कलर ही नहीं डाला है तो आपको कलर किधर से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो दिस इज इको आरोग्यम टी, जो कि कंप्लीट होता है। दिस इज डन फॉर मी, क्योंकि इस वाले की जो प्रोडक्ट है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चीजें होती हैं फाइटर, इसको कह लीजिए कि ज्यादा ज्यादा अगर डिटेल में बता दूंगा तो कई सारे चीजें बाउंस हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा सीखें, बट ज्यादा सीखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात ये कि जितने भी नए लोग हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि फाइटर देखिए, आप लोग को बहुत सारी बातें ऐसी थोड़ी टेक्निकल लगी होंगी कि भाई इतना टेक्निकल सबने बता दिया, लेकिन ट्रस्ट मी, फील्ड में इन टेक्निकल चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। लोग के इतने सारे प्रश्न होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आप हमारे पास जब आंसर नहीं होता तो फिर हम लोग जो है वो कड़ी जोड़ नहीं पाते, और इसके लिए जो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। तो इसलिए इतनी सारी चीजें और बहुत बेसिक चीजें, इतनी भी ज्यादा कुछ नहीं बताई गई। हाँ, आपको आज नया नया लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत नया है, हमने तो कभी सुना ही नहीं था। कोई बात नहीं, नई चीज है, बार बार सुनिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, तो चीजें बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे आपको लगेगा भाई ये बहुत पहले से, इससे आपको फील्ड में बहुत सारा फायदा होता है। मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी के पास बैठे, किसी के सामने बैठे और वहां से खाली आता है। बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, जब जाने रहेंगे तो ऑफर नहीं पता होगा, तो बिल्कुल ऑफर हमसे नहीं हो सकता। तो आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी, और फाइटर आप लोगों ने इस सेशन को थोड़ा समझा होगा, और इससे कुछ आउटपुट आपको निकल के आए, आपके फील्ड में काम आए, आपके बिजनेस में काम आए। सो मैं चाहूंगा देवेंद्र सर से, अगर सर किसी का क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ लीजिए प्लीज, एंड मैं उसका आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज हम लोग क्लोज करेंगे सेशन। थैंक यू सत्यम सर, सच में आपने बहुत जबरदस्त तरीके साथ कॉम्बिनेशन बताया, और सब लोग बड़े अच्छे तरीके से, मैं नोट कर रहा था, सबको चेक कर रहा था, सब लोग वीडियो पे थे और सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से नोट भी किया आपका कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। और एक दो सवाल मेरे पास आए हैं सत्यम सर, एक
हमारे बीच में मिस्टर दीपक जी, उनकी वाइफ को थोड़ा सा ना फिट्स की प्रॉब्लम हुई है, 3 साल पहले हुआ था और अब लगातार पिछले 3-4 दिन पहले लगातार उनको ना फिट आ गए, लगातार दौरे पड़ रहे। तो मैं चाहूंगा उसका कॉम्बिनेशन आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा इजी रहे। उसके पहले कभी प्रोडक्ट नहीं लिया अपना कोई भी? अभी कुछ प्रोडक्ट को ले रहे हैं, थंडर ब्लास्ट भी चलाया उन्होंने और ब्रेन डॉग भी चलाया, सीबक जूस भी लगाया। ब्रेन थंडर ये थोड़ा सा ठीक चल रहा है, ठीक है, इसका डोज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थंडर ब्लास्ट का खास करके स्पेशली। अगर वो डोज 10 ml दे रहे हैं तब तो ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि डोज ज्यादा नहीं होना चाहिए लेडीजों को खास करके। और आप इन दोनों प्रोडक्ट के साथ एक या तो सबसे बेस्ट है वैसे शिलाजीत, या तो वो ऐड कर सकते हैं या तो अपना जिनसिंग ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऐड कर लीजिए। शिलाजीत इनमें से कोई एक चाहिए होगा, दोनों नहीं एक सिंगल। ब्रेन डॉग चालू रहेगा सर? हाँ ब्रेन डॉग सर, उसका कोई इशू नहीं है, ब्रेन डॉग में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं मिल जाएंगी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट डोज का थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार डोज भी ज्यादा होने की वजह से होता है, बट ये चीजें धीरे धीरे कंट्रोल रहेंगी, इसी से होंगी क्योंकि नर्वस सिस्टम का सीधा इशू है। और दूसरा सर एक क्वेरी हो रहा है सर, एक बंदा है वो एक्चुअली थंडर ब्लास्ट भी ले रहा है, उसके पैरों में थोड़ी जलन है, पैरों में जलन हो रहा है, वीकनेस भी आ रहा है, टेस्टोफास्ट जो थंडर ब्लास्ट ने लिया है और वीकनेस हो रही है और पैरों में जलन आ रही है, फिट बर्न हो रहे हैं। सर देखिए पहली चीज ये है कि कितने उम्र कितनी है इनकी? उम्र तो सर देखनी पड़ेगी, 30-35 लगभग मान लीजिए आप, 35-30-35। सर देखिए पैरों में जो जलन की दिक्कत होती है ना, इसमें नसें थोड़ी सी दब जाती है पीछे वाली, तो इसके वजह से ऐसा होता है। एक तो पहली चीज ये है कि मुझे तो जहां तक लग रहा है कि कमजोरी इनको अभी तक कमजोरी कितने दिन से ले रहे हैं प्रोडक्ट? लगभग 2.5 महीने हो गया सर, 2.5 महीने लेते हैं। कमजोरी अभी भी चल रही है, मतलब बर्निंग जो फीट बर्न है वो रेगुलर है अभी, मतलब एक गैप कर देते हैं तो हो जाता है वरना फिर वो रेगुलर रहता है। गैप मतलब प्रोडक्ट छोड़ देंगे तो हो जाता है? प्रोडक्ट छोड़ देते हैं तो लगता है मतलब फिर दोबारा होने लगा, 2-2.5 महीने से लगातार उन्होंने टेस्टोफास भी लिया, इम्यूनोडोग और आपका थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट तो ठीक है, थंडर ब्लास्ट के साथ टेस्टोफास उतना उनको चाहिए नहीं होगा, सिंगल प्रोडक्ट से काम चल जाता है, वैसे टेस्टोफास बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है सर, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ में लेना चाहिए। थंडर अब सर इसका थोड़ा सा मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर 2-3 महीने से ले रहे हैं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सो लेट्स सी, मैं इसको चेक करता हूँ फिर आपको अपडेट करता हूँ क्या और कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर, डन सर, डन डन, ओके ठीक है सर। बाकी तो क्वेरी मेरे पास आई नहीं है, इन फ्यूचर कोई आती है तो वी कैन पिंग यू, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी लगी और मुझे भरोसा है कि सब लोग इस एजुकेशन को लेकर फिल्म में धमाल मचाएंगे। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सत्यम सर ने इतने बेस्ट कॉम्बिनेशन को इतने सरल तरीके से बताया और आप लोगों ने नोट भी किया, और आज इस एजुकेशन के लिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन सत्यम सर के लिए दमदार और धन्यवाद वाली जोरदार ताली बजा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फाइटर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अगली ट्रेनिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब हम इसके आगे के प्रोडक्टों के बारे में चलेंगे और फाइटर उस सेशन में आप लोग और भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्ते, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।